अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था जी, मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया था। हाँ। उनके ऊपर कुछ ऐसा दबाव आया क्योंकि वो बड़े संस्कारी व्यक्ति हैं, थॉरो जेंटलमैन है, उस दबाव को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। आजम खां के बहुत करीबी हैं रुचि वीरा, अब उन्होंने किया है नहीं करा है ये मुझे तो कंफर्म है नहीं, क्योंकि आजम खां का टिकट रामपुर में भी नहीं हुआ। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, क्यों करा है, ये तो जब वो जेल से बाहर आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगा। मैं कोई कुर्बानी का बकरा थोड़ी हूँ जो चाहे हलाल कर दे। अच्छा, कुछ पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई संदेश आया है क्या कि मतलब पहले आप बहुत मुखर भी थे, आपने कहा था मैं प्रचार नहीं करूंगा, अभी भी आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन अभी जिलाध्यक्ष को हटाया गया, तो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है कि आप बोल रहे हैं इतना? देखिए, मैं हक की बात करता हूँ, हमेशा इंसाफ की बात करता हूँ, अपने लोगों की बात करता हूँ। अगर मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूँ, सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा हूँ, तो करता रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। अच्छा, आपने कहा कि कुछ स्थानीय नेताओं ने भी आपके खिलाफ साजिश की, जो पेपर आपका जो अंतिम दिन 28 तारीख को जो लखनऊ से चला था चार्टर प्लेन से, वो रामपुर में रोक लिया गया? नहीं, वो मुरादाबाद मुन्ना पांडे आया, मुन्ना पांडे से वो सीधा रामपुर ले गए और हमसे, हमारे लोगों से कह गए कि आप अपना काम करो, हम लौट के आ रहे हैं पेपर देने के लिए। वहाँ पे वो लोग अखिलेश जी के इतने करीबी हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस है वो कितनी बड़ी से बड़ी गलती करेंगे अखिलेश जी उनसे कुछ नहीं कहेंगे। क्या नाम बताया आपने? सर नहीं, नाम नहीं बताया मैंने आपको। अच्छा, वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने करीबी हैं उनके, और मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे हैं जिनको बीजेपी और आरएसएस ने इम्प्लांट करा है। अच्छा। ताकि पार्टी मुसलमानों से दूर हो, और कोर वोट मुस्लिम्स हैं समाजवादी पार्टी का, और अगर उससे दूर हो जाएंगे तो फिर पार्टी में बचेगा क्या? अच्छा, रुचि वीरा जी ने कभी आपसे संपर्क किया होता है? एक चुनावी मतलब प्रतिस्पर्धा में थोड़ी बहुत कटुता आ जाती है, लेकिन 28 तारीख के बाद ये प्रकरण एक तरह से पटाक्षेप हो गया था कि पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवार तो रुचि वीरा ही रहने वाली है कम से कम इस चुनाव में, तो इसके बाद क्या पार्टी के स्तर पर या जो आपकी पार्टी की जो यहाँ उम्मीदवार हैं उनके स्तर पर कोई गिला शिकवा खत्म करने की कोशिश हुई क्या? नहीं, उनके स्तर पर कोई कोशिश नहीं हुई, ना मेरे पास कोई फोन आया ना वो मेरे पास आई। जहाँ तक रहा कैंडिडेचर का सवाल, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एस टी हसन का कैंडिडेचर और रुचि वीरा के कैंडिडेचर में कितना फ़र्क है, तो मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ मेरी खता क्या थी, मैं कोई चोर था, बेईमान था, माफिया था मैं, या मैंने सियासत को कारोबार बना रखा था? तो जब खता कोई नहीं तो सजा क्यों? तो सजा क्यों? जाहिर है हसन साहब आप बहुत भावुक हैं, कोई आदमी किसी चीज़ को बहुत पैसिनेट फील करता है तो भावुक होता है क्या, लेकिन अखिलेश जी ने कभी कोई फ़ोन करके आपको समझाने की या सांत्वना देने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं करा मुझे। अच्छा, कोई फ़ोन नहीं करा। पार्टी के लेवल पर आपसे कोई संपर्क साधा गया कि ठीक है आपकी नाराज़गी है, हम मुरादाबाद सीट को लेकर नाराज़गी समझ सकते हैं, अगल बगल के जो जहां आपका प्रभाव है वहां पर पार्टी ने आपको प्रचार के लिए बुलाया हो? नहीं, मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, मतलब अभी आप एकदम पार्टी से संपर्क के तार आपके कट गए हैं? कटे हुए हैं। अच्छा ठीक है, फिर भी पार्टी से तो नाता बना हुआ है ना हसन साहब? हाँ, जाहिर है, मैंने कहा ना मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूँ। क्या मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसके बाद पार्टी से भी नाता टूटेगा? मेरी तरफ से तो नहीं लग रहा। अच्छा, मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है जी, और मैं जब उनके ज़माने से पार्टी में हूँ। अखिलेश यादव जी हैं जिनको मैं आज भी ब्लेम नहीं कर सकता, वो कभी भी पक्षपात की राजनीति नहीं करते, कोशिश करते हैं कि सबकी बात की जाए जो नेताजी के अंदर था, लेकिन उनके संस्कार, उनका एटीट्यूड इस तरह का है कि लोगों के दबाव में आ जाते हैं और किसी को नाराज़ नहीं करते, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है।
मतलब उनकी जो उनका जो स्वभाव है उसकी वजह से पार्टी नुकसान झेल रही है। वो संस्कार वही है कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों से मोहब्बत करो, उनके तो वही संस्कार हैं। अखिलेश जी में कहीं से कहीं तक मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती, ठीक है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो मेरा शुबा है कि बीजेपी और आरएसएस ने उन्हें इम्प्लांट करा है हमारी पार्टी को बर्बाद करने के लिए, और आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी हार हो रही है, इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी जी। अच्छा, अब हार पर आते हैं, ठीक है, मन में थोड़ा सा करवाहट है, इस चुनाव को लेकर आपके क्या क्या आकलन है कि उत्तर प्रदेश में सपा या इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ जी, मैं सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए काम कर रहा हूँ। पिछले 5 साल अगर आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, पार्लियामेंट का उठा के देख लिए, मीडिया का उठा के देख लिए, मैं इनसे बराबर लड़ रहा हूँ। हिंदुस्तान की वो तहजीब जिसमें प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद था, वो हिंदुस्तान के फंडामेंटल हैं, वो नींव है हिंदुस्तान की। अगर नींव बर्बाद हो गई तो आप कितनी बड़ी इमारत खड़ी कर दीजिए, एक न एक दिन कोलैप्स कर जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पहले फेज का चुनाव एकदम आ ही गया, 19 तारीख को वोटिंग है कई सारी सीटों पर, बीजेपी के लोग काफ़ी प्रचार करते दिख रहे हैं, जैसे अमित शाह भी आने वाले हैं, एक मुरादाबाद में बैठक कर चुके हैं, अमित शाह फिर आने वाले हैं, अभी मुझे आज पता चला कि मायावती की भी 15 तारीख को रैली यहाँ प्रस्तावित है। सपा के जो का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, मैं पूरे वेस्टर्न यूपी में घूम के आ रहा हूँ, अखिलेश अभी तक मैदान में उतरे नहीं है, रैली नहीं कर रहे हैं। अब ये सवाल तो आप अखिलेश जी से मालूम करिए। नहीं, चूंकि आप मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, उनकी किन क्या परिस्थितियाँ, क्यों नहीं उतरे, उतरेंगे, ऐसा नहीं, आएंगे सब लोग साथ आएंगे, और मैं समझता हूँ राहुल जी और प्रियंका गांधी भी साथ आएंगे। मुरादाबाद में होगी कोई सभा, उम्मीद है, बाकी क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, कभी मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद कोई मेल मिलाप की कोशिश होती है, तो आपकी कोई शर्त होगी क्या? नहीं, मैं तो बगैर शर्त समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। मेरी शर्त सिर्फ यही होती है कि सबके साथ इंसाफ हो और सबके हक की बात हो, और स्पेशली हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको उसका हक मिलना चाहिए। जब हम ना अभी आपके पास आ रहे थे, तो उससे पहले ना हम थोड़ा सा ये जो पीतल का मुरादाबाद पीतल की नगरी है, तो हम वहाँ कुछ गए थे, कारीगरों की स्थिति बहुत विकट है, वो कह रहे हैं कि हमें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। हमने कहा भी कि अभी हम एसटी हसन साहब के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा सांसद जी से पूछिएगा कि हम लोगों की स्थिति 5 साल में कुछ सुधरी क्यों नहीं। देखिए, ये सरकार के खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। लेकिन उनकी शिकायत ना आपसे भी थी सर थोड़ी सी, वो कह रहे थे कि वो भी कुछ कर सकते थे, वो बता रहे थे कि कैसे सामान महंगे हो गए हैं, कोयला महंगा हो गया है, और कई सारी योजनाएं हैं जो जिसका फ़ायदा हमें मिल ही नहीं पा रहा है, जैसे लोन जो सरकारी विश्वकर्मा योजना है, मृदा स्कीम है, ये सब का लोग कह रहे हैं कि वो हमें सरकारी अफसरों में चक्कर काटने में इतनी दिक्कत होती है कि हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए, यहाँ कोयले से काम होता है, कम से कम 4-5 बार पार्लियामेंट में मैंने सवाल उठाया जी, और मैं खुद उस वक्त पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उनसे मिलकर मैंने पीएनजी गैस मुरादाबाद के अंदर लेके आया कि पीएनजी गैस से अब यहाँ पे काम होगा तो सस्ता भी पड़ेगा और कारीगरों की, आर्टिजन्स की सेहत भी अच्छी रहेगी, और वो आ भी गई है, तकरीबन काफ़ी जगहों पे आ गई है। उसके अलावा मैंने ये सवाल रखा था कि जो एक्सपोर्ट है हमारा वो ख़राब दिन ब दिन गिरता जा रहा है, आपने जीएसटी लगाया और जीएसटी एक्सपोर्टर देते हैं और बाद में आप वापस ले लेते हो, हाँ, तो लगा क्यों रहो, कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व करो कि जिसके मिसयूज़ ना हो। आर्टिजन्स के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, लेकिन ये मिलती नहीं लोगों को। जो भी मेरे पास आया कि सांसद जी ये परेशानी है, मेरी बात हुई, चाहे वो डीएम स्तर की हो या नीचे के स्तर की हो, उन लोगों को एक हद तक मदद मिली, उनके काम हुए। लोन का जहाँ तक सवाल है, लोन इन्होंने डिक्लेयर करा लेकिन मिला नहीं किसी को, और लोन का मामलात ये होते हैं
कि इस वक्त बड़े लुभावने लगते हैं लोन, ये गरीब लोग हैं लोन ले लेते हैं और उसके बाद अदायगी नहीं हो पाती तो बाद में उनके घर तक की नीलामी की नौबत आ जाती है। तो मैंने तो कोशिश यही करी कि उनको अपने दम पे अपने पैरों पर खड़े हो जी, लोन पे ना खड़े हो। एक एक समस्या उनकी ये भी है, वो बता रहे हैं आर्टिजन आई कार्ड कुछ बना था 2017 में बना, 2022 से रिन्यू होना था, वो अभी तक नहीं हो पाया उसका प्रोसेस। वो कांग्रेस सरकार में बना था और उसके ज़रिए भी पैसा मिलता था और वो उसके साथ भी ये समस्या हुई कि जब उनका पैसा जमा नहीं हुआ तो पुलिस ढूंढती फिर रही है कहाँ पे हैं, भागे फिर रहे हैं। तो ये जो आर्टिजन्स वाली समस्या है आई कार्ड की, ये सरकार तो प्रोत्साहन देना ही नहीं चाहती उन लोगों को, इस सरकार ने तो डिस्करेज करा है, आई कार्ड भी नहीं बनाए, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी। मैंने तो ये हद तक कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि आप जो कच्चा माल है उसका बैंक बना दिए और उसमें ये लिख दिए कि 3 महीने तक इसके रेट में कोई फ़र्क नहीं होगा। होता क्या है, आदमी ने ऑर्डर लिया, उस वक्त कच्चे माल की कीमत 200 रुपये थी, 2-4 दिन बाद वो हो गई 300 रुपये, उसे नुकसान हो गया। तो अगर उसकी भी गारंटी होनी चाहिए। हमारा कहने का असर हुआ किस पे? नहीं हुआ किसी पे। हम कोई भी सरकार में थे नहीं और ये पूरी जनता जानती है कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल में जितनी बार पार्लियामेंट में आके सवाल उठाए 1947 से लेकर आज तक किसी भी एमपी ने ये सवाल पार्लियामेंट में नहीं उठाए, मेरा रिकॉर्ड देख लें। अब विरोध तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोगों में होता है, कुछ जुड़े हुए होते हैं दूसरी पार्टी से, कुछ आर्टिजन्स की ऐसी एसोसिएशन से जो बीजेपी से जुड़ी हुई है। अच्छा, वो हो सकता है आपके पल्ले वो पड़ गई हो। हम तो किसी को जानते नहीं थे, हम तो ऐसे ही टहल रहे थे बाजार में। ठीक है, तो ये हसन साहब थे जिन्होंने इनके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसको लेकर इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। इशारों में उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व से इनका संपर्क नहीं है। 4 जून को जब यहाँ नतीजे निकलेंगे तो सिर्फ मुरादाबाद सीट का भविष्य तय नहीं होगा, यहाँ की राजनीति में हसन साहब की भूमिका भी तय होगी। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान और बने रहिए हमारे साथ।